आज क्यों एमसीएक्स के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली, जानते हैं अरमान नाहर से। देखिए, अपने एमसीएक्स में जो है काफी भारी गिरावट जो है आज आती हुई दिखी, उसका रीजन क्या है। अब एमसीएक्स ने 63 मून्स के साथ जो है अपना सॉफ्टवेयर सर्विस के करार को 6 महीने से और बढ़ाया है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये 6 महीने के लिए पर क्वार्टर जो है एमसीएक्स को 125 करोड़ रुपए जो है 63 मून्स को उनको देना होंगे। और अगर आप बात करें इसके पहले, अगर आप मैनेजमेंट ने 30 जून तक जो है ये टीसीएस के साथ जो इनका प्लेटफॉर्म है वो शुरू करने की बात भी कही थी। और अगर आप देखें ये जो भाव जो 125 करोड़ रुपए प्रति क्वार्टर है, अगर आप देखें Q3 FY23 में जो ये भाव वो 60 करोड़ के आसपास का था, क्योंकि जो इनका कॉन्ट्रैक्ट था 63 मून्स के साथ वो 30 सितंबर 2022 को खत्म हो गया था। उसके बाद अगले क्वार्टर में जो ये चार्जेस थे वो 60 करोड़ के थे, फिर दो क्वार्टर के लिए वापस एक्सटेंड किया गया, तब जो चार्जेस हुए वो 81 करोड़ के आसपास जो थे वहां पर क्वार्टर चार्जेस थे। और अब जो ये चार्जेस लगते हुए दिखे 125 करोड़ रुपए जो है प्रति क्वार्टर जो है यहाँ पे चार्जेस होते हुए दिखे। और इन सबको अगर आप सम अप कर दे तो लगभग अगर आप देखें तो 472 करोड़ के आसपास जो है वो 63 मून्स का बनता है। और अगर आप देखें इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह भी है कि अगर आप ये 472 करोड़ के साथ साथ अगर आप देखें तो टोटल आय जो एमसीएक्स के FY23 की थी वो लगभग 514 करोड़ की थी। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कितना सिग्निफिकेंस है इसका। और FY23 में अगर आप देखें तो कंपनी का कुल मुनाफा ही 150 करोड़ का था, और अब अगर आप देखें Q2 FY24 और Q3 FY24 में 125 करोड़ रुपए प्रति क्वार्टर जो है यहां पर उनको चार्जेस देने होंगे। उसी के साथ साथ अगर आप बात करें, अगर मैं तिमाही नंबर्स की बात करूं तो जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट चार्जेस थे वो Q4 FY23 में लगभग 88 करोड़ के थे, जो कि अगर आप Q3 में देखेंगे तो 61 करोड़ के थे, और Q2 में अगर आप बात करेंगे तो 22 करोड़ के थे। तो 22 करोड़ के बढ़कर 66 करोड़ के आसपास 67 करोड़ के आसपास हो गए, वो फिर बढ़कर वहां पर अब 88 करोड़ के आसपास हो गए। और अब ये जो 125 करोड़ प्रति आपको क्वार्टर है यहां पर और ज्यादा चार्जेस होते हुए दिखेंगे। और इसी समय अगर आप देखें तो 63 मूव्स में आपको अच्छी खासा जो है मूवमेंट आता हुआ दिखा, लगभग 50% के आसपास आपको दिखा था यहां पर गेन जो है वो आते हुए दिखे। और अगर आप देखें जो बिजनेस के सूत्रों से ये पता पड़ा है कि जो टीसीएस ने कहा है कि जो सॉफ्टवेयर है वहां पर तो कोई दिक्कतें नहीं है, पर उनका ये कहना है कि वो जो ट्रांजिशन है सॉफ्टवेयर के ट्रांजिशन में वहां पर दिक्कतें आ रही है। इन सब के चलते आपको आज दिख रहा है एमसीएक्स में भारी गिरावट जो है आती हुई दिखी।